Hi friends, I'm Dr. Ashutosh Gupta. I'm a consultant in fetal medicine. So that today the topic that we are discussing is in fetal echocardiography at 12 weeks. फीटल मेडिसिन का सारा प्रमाइस यही है कि क्या हम ये जान सकते हैं कि 12 हफ्ते पे मेरा बच्चे की स्वास्थ्य या जो स्ट्रक्चरल बनावट है बीवी की, हाउ द बीवी इज बीइंग फॉर्म्ड. सो कंजेनेटल कार्डिक एबनॉर्मलिटीज डेफिनेटली एक मेजर कंजेनेटल एबनॉर्मलिटी है जो कि किसी भी बीवी को हो सकती है. सो क्या स्क्रीनिंग जैसे न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी या नेजल बोन के लिए हम जो लेवल वन अल्ट्रासाउंड करते हैं, क्या उसी स्कैन में हम बेबी की कार्डिक असेसमेंट कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं तो हम कितना उसके बारे में जान सकते हैं. तो यही कुछ चंद बातें जो हैं इसका खुलासा इसी स्लाइड में और इन्हीं वीडियोज के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. सो आई विल टेक यू अलॉन्ग दैट प्रोबब्ली वी इंटेंड टू डू आई इकोकार्डियोग्राफी, कंप्लीट इकोकार्डियोग्राफी एट 12 वीक्स. ओके, सो डेफिनेटली इट वुड बी एन एंडोवेजनल अल्ट्रासाउंड, इसमें अगर कोई डाउट ही नहीं है. तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये फोर चैम्बर व्यू दिखाई दे रहा है. इंटेंशनली हैव स्लो डाउन द वीडियोज एंड सो दैट वी कैन सी द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द राइट वेंट्रिकल. इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कैन बी लुक्ड अराउंड. इसका एक फाइव चैम्बर व्यू बोलते हैं जिसको aorta बोलते हैं. aortic वेल्व भी दिखाई दे रही है इसमें. इसमें आप पल्मोनरी वेन्स को देख सकते हैं और ये कंप्लीट फोर चैम्बर व्यू बेबी का बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं. एंड अब ये दूसरी स्लाइड है, इसमें हम पल्मोनरी वेन्स देख सकते हैं, फोर चैम्बर व्यू और सेप्टम सेकेंडम दिखाई दे रहा है, दोनों वेल्व्स दिखाई दे रहे हैं. एंड सो वी कैन सी द क्रॉसिंग ओवर ऑफ द ग्रेट वेसल्स, दैट इज ऑल्सो विजुअलाइज्ड हियर. ये क्रॉसिंग ओवर ऑफ द ग्रेट वेसल्स है और ये पल्मोनरी ट्रंक जो होती है उसकी डिविजन है, दो हिस्सों में जो बढ़ जाती है वो, ये बिल्कुल वो बहुत बढ़िया से अपन इसको इवेलुएट कर सकते हैं और देख सकते हैं. ये आर्च ऑफ aorta है जिनमें से आर्च दिखाई दे रही है और थ्री मेजर ग्रेट वेसल्स दैट अराइज फ्रॉम द आर्च वो भी बिल्कुल ठीक से दिखाई दे रही है. और ये पल्मोनरी ट्रंक है जो कि पल्मोनरी वेल्व दिखाई दे रहा है और थ्री वेसल्स में डिवाइड करता है. ये LVOT है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटफुल ट्रैक्ट इसको बोलते हैं, वो भी हम बिल्कुल अच्छे से इसमें वीडियोज में स्लाइड्स में देख सकते हैं. ये आर्च ऑफ aorta है. सो आर्च ऑफ aorta भी हॉकी स्टिक जैसी होती है. सो वी कैन डेफिनेटली आइडेंटिफाई दैट हॉकी स्टिक एंड इट इज एब्सोल्युटली ग्रेट. इफ यू लुक क्लोजली वी कैन आइडेंटिफाई द थ्री वेसल्स अराइजिंग थ्रू दैट आर्च विच इज एब्सोल्युटली ग्रेट. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो दिस फाइंडिंग द सेम इमेज बट वी आर सीइंग दैट the arch and the three major vessels arising through the arch is visualized. ये three major vessels are arising from this thing. Okay, so meaning thereby that the cardiac assessment in totality can be done at 12 weeks. Now we are putting a color. So color डालने के बाद में हम ये देख सकते हैं कि inferior vena cava है और ये जो दिल में जो धमनियाँ हैं उनका blood flow किस तरह का होता है और इसमें कोई obstructive lesion तो नहीं है. तो एक असेसमेंट, एक रफ असेसमेंट और एक अर्ली असेसमेंट, एक तकरीबन 90-92% के आसपास की जो असेसमेंट है दिल की बनावट के बारे में और फंक्शनिंग के बारे में, वो डेफिनेटली हम 12 हफ्ते पे कर सकते हैं वो बच्चे की दिल की कैसी है. सो यू कैन आइडेंटिफाई दिस हाउ इज द ब्लड फ्लो टू द हार्ट. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल डिपिक्शन हाउ द ब्लड फ्लो इज देयर. एंड सो मीनिंग देयर बाय दैट instead of waiting up to 24 weeks or 16 weeks, we can definitely do this fetal echocardiography, complete assessment of the fetal heart at 12 weeks. हमें जान सकते हैं कि कोई structural बनावट में कोई खराबी तो नहीं है baby के heart में. अगर कुछ है तो then we can offer some investigations. This could be a 22q micro deletion और कुछ micro deletions भी हो सकते हैं और trisomy 21 भी हो सकता है. सो हम 12 हफ्ते पे ही तुरंत ही हम वो डायग्नोस्टिक टेस्ट्स को ऑफर कर सकते हैं, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं और उनका रिजल्ट भी तकरीबन 2-3 हफ्ते में आ जाता है. सो वी कैन डू द टेस्ट एंड द कंप्लीट असेसमेंट ऑफ द बेबी इज देयर एंड देन वी कैन नो अबाउट द फीटल हेल्थ हार्ट cardiac health of the baby in less than 16 weeks or so. So then we can take an appropriate call. Okay. Thank you very much for your patient listening.